दुर्गापुर नगर निगम के 36 नंबर वार्ड अंतर्गत माया बाजार वारिया इलाके में 3 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिनेश यादव के नेतृत्व में निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। दुर्गापुर ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी के सहयोग से वारिया हिंदी प्राथमिक विद्यालय परिसर में लगाए गए इस शिविर में 200 से ज्यादा गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों की नेत्र जांच की गई, साथ ही सैकड़ों गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। दुर्गापुर नगर निगम के 36 नंबर वार्ड अंतर्गत माया बाजार वारिया इलाके में 3 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिनेश यादव के नेतृत्व में निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को दुर्गापुर ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी के सहयोग से वारिया हिंदी प्राथमिक विद्यालय परिसर में लगाए गए शिविर में काफी संख्या में लोग नेत्र जांच के लिए पहुंचे। लगभग 200 से ज्यादा गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों की नेत्र जांच की गई। ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी के डॉक्टरों द्वारा मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया। डॉक्टरों द्वारा चिन्हित किए गए मरीजों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन किया जाएगा, साथ ही मरीजों को आवश्यक दवाइयां एवं चश्मा भी प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं, दुर्गापुर 3 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिनेश यादव ने सैकड़ों गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कंबल मिलने से लोगों में खुशी देखी गई। इस मौके पर पूर्व विधायक विश्वनाथ पाड़ियाल ने तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश यादव के नेतृत्व में आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन तथा कंबल वितरण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा से बड़ा और कोई कार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नीतियों एवं आदर्शों में विश्वास करने वाले कार्यकर्ता हमेशा आम जनता की सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। আর এই ধরনের উদ্যোগ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। আর মনুষ্য জীবনের সবচাইতে বড় ধর্ম হচ্ছে মানব সেবা, এর থেকে বড় ধর্ম আর কিছু হতে পারে না। তো সেই কাজটাই দিনেশ যাদবরা উদ্যোগ নিয়ে করছে। দুর্গাপুর ব্লাইন্ড রিলিফ সোসাইটি হচ্ছে একটা অ্যাপলিটিক্যাল সোশ্যাল অর্গানাইজেশন। সমাজের যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষ, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, যাদের মাথার উপরে ছাদ থাকে না, পরনে বস্ত্র থাকে না, দুমুঠো অন্নের জন্য প্রতিদিন লড়াই সংগ্রাম করতে হয়। तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की प्रेरणा से निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर आयोजित किया गया, साथ ही सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि गरीब तबके के लोग आर्थिक तंगी के कारण नेत्र जांच एवं ऑपरेशन करवाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों को उनके घर के सामने ही दुर्गापुर ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी के सहयोग से निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुशील ममता बनर्जी एवं हमारे नेता अभिषेक बनर्जी के प्रेरणा से तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ दुर्गापुर 3 नंबर ब्लॉक प्रकोष्ठ के तरफ से एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के विभिन्न इलाका के लोग इसमें पहुंच रहे हैं लोग, और हमारे 3 नंबर दुर्गापुर 3 नंबर ब्लॉक हिंदी प्रकोष्ठ का सब समय हम लोग सोशल काम में हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लिए करते हैं। समय समय पर लोगों का सुख दुख के लिए जो भी प्रोग्राम जो भी कार्यक्रम होता रहता है उसे हम लोग जरूरत के अनुसार हमेशा किया करते हैं। और आज अभी करीब पूरे हमारे 36 नंबर वार्ड के मिला जुला करके सब यहाँ पर 200 से अधिक पेशेंट यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। सब लोग बाहर यहाँ से निकल के जाने में बहुत लोग को असमर्थ हो रहे थे, तो इससे हम लोग को लगा कि नहीं, यहाँ पर एक कैंप करना जरूरी है। चिकित्सा लोगों के लिए बहुत जरूरत है, आँख एक बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गापुर से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। प्रकृति के अनोखे उपादानों से बनी हनुमंत आटा, असली चाना बेसन, उत्तम दर्ज का दलिया, स्पेशल मैदा, चने से बने विशुद्ध सत्तू, स्वादिष्ट सूजी और परिशुद्ध चीनी, यानी स्वाद और प्यार की कंप्लीट पैकेज।
हनुमंत प्रोडक्ट्स 100% शुद्ध 100% स्वाद।